रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मध्वानिव। राम धर्म ध्वजवाहक मर्यादा के प्रतीक राम। यह कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की और उनकी अयोध्या की। अयोध्या वही जिसके बारे में अथर्ववेद में कहा गया है, अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्ययः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अर्थात आठ चक्र और नौ द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है, उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से युक्त है। अयोध्या जो अपने विराट स्वरूप से कभी पूरे संसार को चमकाती, जहाँ हर्ष उल्लास वैभव ज्ञान सबकी प्रचुरता थी, उस पर एक दिन नजर पड़ी आक्रांताओं की। आक्रांता वे जिन्हें भारतीय चेतना को खत्म करने के उद्देश्य से भेजा गया था। यह कहानी है उसी अयोध्या की। आइए आपको ले चलते हैं उस सफर पर और समझते हैं कि कालातीत में इस नगर ने क्या क्या सहा है। यूं तो इतिहास में कई कहानियों का वर्णन है, मगर जो दो प्रामाणिक हैं हम उन पर बात करेंगे। अयोध्या मंदिर विध्वंस को लेकर दो कहानियां बहुत प्रचलित हैं, जिसमें कई लोगों का मत है कि यह मंदिर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर सन 1528 में इस मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण कराया था, मगर यह कभी प्रमाणित ना हो सका। इस पर मूल प्रश्न यह खड़ा हुआ कि यदि यह मंदिर को बाबर ने तोड़ा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके बारे में क्यों नहीं लिखा, और 1632 से 1634 तक जितने भी विदेशियों ने वहाँ की यात्रा की उन्होंने इस जन्मस्थान का वर्णन क्यों नहीं किया है। दूसरा मत इस पर यह है कि इस मंदिर को औरंगजेब के गवर्नर फिदाई खान ने सन 1680 में तोड़ा था। इस पर भी मत भिन्नता है। इसकी सत्यता क्या है इसे हम जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करेंगे तब क्लियर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। मंदिर का विध्वंस होता है और आने वाले कई सालों तक यहाँ कुल मिलाकर 70 से 79 छोटे बड़े युद्ध लड़े जाते हैं, जिनमें हजारों लाखों लोग अपने प्राणों की आहूति देते हैं। समय फिर एक बार करवट लेता है जब सन 1853 में निर्मोही अखाड़ा के संत बाबरी मस्जिद पर पहुँच जाते हैं और वहाँ राम मंदिर के मालिकाना हक की बात करते हैं। इसके ठीक पश्चात सन 1858 के नवम्बर महीने में कुछ निहंग सिख बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद के ढांचे पर कब्जा कर लेते हैं और वहां पूजा और हवन करते हैं। इस कब्जे को छुड़ाने के लिए 30 नवंबर 1858 को अवध थाने में बाबा फकीर सिंह और अन्य निहंग सिखों पर FIR दर्ज कर ली जाती है और उन पर कई अत्याचार किए जाते हैं। लगातार हो रहे इस धार्मिक हिंसे को लेकर सन 1859 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर फेंसिंग करा दी और अंदर और बाहरी परिसर को दो भागों में विभाजित कर दिया। जहां अंदर के परिसर में मुस्लिमों को इजाज़त दी गई, वहीं बाहर के परिसर पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी गई। इस कालखंड में पहला न्यायिक मोड़ तब आता है जब 25 मई 1885 को महंत रघुवर दास जी ने फैजाबाद कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, जहाँ उन्होंने बाहरी परिसर पर मंदिर बनाने की इजाज़त मांगी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सन 1934 में अयोध्या में कुछ हिंदुओं ने एक बार फिर से जन्मस्थान को मुक्त कराने का फैसला लिया और बाबरी मस्जिद के ढांचे के ऊपर पहुंचकर उसे क्षति पहुंचाई। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उसकी मरम्मत करवाकर उसे ठीक कर दिया। सन 1934 के बाद वहां कई छोटे बड़े दंगे होते रहे और तब आया सन 1947। सन 1947 में जब बलरामपुर के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी ने यज्ञ करवाया, जिसमें उनके गुरु धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज भी आए। यज्ञ के समापन से ठीक एक दिन पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी भी वहां पहुंचे, जहां धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने महंत दिग्विजय नाथ जी और पाटेश्वरी प्रसाद सिंह एवं गोंडा के जिलाधिकारी के नैयर के सामने इस आंदोलन की नींव रखी। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज और महंत दिग्विजय नाथ जी ने 14 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 1949 तक राम चबूतरे पर रामचरितमानस का पाठ कराने की शुरुआत की।
इस 9 दिवसीय रामचरित मानस के पाठ के अंतिम दिन यानी 22 और 23 दिसंबर की मध्य रात्रि को सरयू किनारे 5 लोग इकट्ठा हुए, जिनमें गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, संत बाबा राघवदास, बाबा अभिराम दास और दिगंबर अखाड़े के रामचंद्र परमहंस जी भी थे। वहीं अन्य कुछ गणमान्य लोगों में गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और संघ के प्रचारक नाना जी देशमुख जी भी थे। इन सभी लोगों ने सरयू में स्नान किया और लकड़ी की एक टोकरी में भगवान को रखकर मंदिर गर्भगृह की ओर चल पड़े। मंदिर गर्भगृह में पहुंचते ही इन सभी लोगों ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की। सुबह होते होते नगर में यह बात फैल गई और लगभग 4 बजे यकायक वहां घंट और घड़ियाल बजने लगे। सभी भक्त वहां जोर जोर से गाने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान श्री राम लला प्रकट हो चुके थे। इसी दिन दिल्ली से के नैयर जी को मूर्ति हटाने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तब सरकार ने उस जगह पर ताला लगा दिया। अब बारी थी न्यायिक लड़ाई की। पहली याचिका 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विसारद जी ने रखी। दूसरी याचिका 25 मई सन 1950 को परमहंस रामचंद्र दास जी ने दायर की और वहीं तीसरी याचिका 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने दायर की। सन 1961 में 18 दिसंबर के दिन यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्तियों को हटाने के लिए याचिका दायर कर दी। सन 1984 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस जगह पर ताला खुलवाने का आदेश दिया। सन 1986 में चारों पिटीशन को एक साथ संलग्न करके मुकदमेबाजी प्रारंभ हुई। सन 1989 तक मंदिर आंदोलन अपने शिखर पर पहुंच गया, जहां एक ओर संत समाज जिसकी अगुवाई शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, राम जन्मभूमि न्यास एवं सभी पूजनीय अखाड़े अन्य संत गण कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर देवकी नंदन अग्रवाल जी ने रामलला के सखा के रूप में याचिका दायर की, जिसे बाद में बलिया के रहने वाले त्रिलोकी नाथ पांडे जी ने लड़ा। अब VHP यानी विश्व हिंदू परिषद भी इस आंदोलन से जुड़ गया और अशोक सिंघल जी ने शिला पूजन के कार्यक्रम के बारे में कहा। तब संघ के प्रचारक मोरपंत पिंगले ने इसकी सहमति जताई और देश के हर कोने से 30 सितंबर 1989 को एक शिला 1.5 रुपये और लाल कपड़ा अभियान की शुरुआत की। इसका आदेश स्वयं देवराहा बाबा ने दिया था। 9 नवंबर 1989 की तारीख तय हुई। इसी दिन महंत अवैधनाथ जी महाराज, महंत नृत्य गोपाल दास जी, दाऊदयाल खन्ना जी, अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में शिला पूजन गुंबद से 192 मीटर दूर किया गया। अब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था और इसी में अब भारतीय जनता पार्टी ने राम रथ यात्रा की घोषणा कर दी। 25 सितंबर से 30 अक्टूबर 1990 तक होने वाली इस रथ यात्रा के वाहक बने लाल कृष्ण आडवाणी जी। उन्होंने इस आंदोलन को घर घर से जोड़ा। यह यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई और 23 अक्टूबर को उन्हें बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी तक 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा इसी तारीख को होनी थी। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सभी कार सेवकों ने कार सेवा शुरू की और तब सरकार ने उन सब पर क्रूरता बरपी। पुलिस द्वारा कार सेवकों पर फायरिंग खोल दिया गया और कई कार सेवक जिनमें कोठारी बंधु, सेठाराम माली, रमेश कुमार, वासुदेव गुप्त, संजय कुमार जैसे कई अन्य कार सेवकों की नृशंस हत्या कर दी गई। 2 नवंबर को यह कार सेवा पुनः शुरू हुई और उस दिन फिर से वही सरकारी फरमान, कई अन्य कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अयोध्या की भूमि कार सेवकों के रक्त से लाल हो चुकी थी। सभी लोग एक एक करके जा चुके थे और अयोध्या के कुछ गलियों में अभी भी लाशें वैसे ही पड़ी हुई थी। समूचे रात्रि भर स्वामी वामदेव जी महाराज उन लाशों के साथ बैठे रहे ताकि उन लाशों को कोई भी जानवर क्षति न पहुंचा सके। कार सेवा सन 1992 में शुरू हुई। पूरे भारत से कार सेवक आने लगे। 150,000 कार सेवकों की भीड़ को 6 दिसंबर सन 1992 को मंच से राजमाता विजयराजे सिंधिया जी, आडवाणी जी, साध्वी रितंबरा जी एवं अन्य गणमान्य लोगों ने भाषण दिया
और उन्हीं में से कुछ कार सेवक बेकाबू हो गए और उस भीड़ से निकलकर गुंबद की ओर धावा बोल दिया। कई कार सेवक उस गुंबद के ऊपर चढ़ गए। पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, कई प्रयासों के बाद उस विवादित ढांचे को समतल कर दिया गया था। विवादित ढांचा गिर चुका था और अब पूरे देश में दंगे शुरू हो चुके थे। इस दंगे में कुल 1000 से लेकर 1500 लोगों की मृत्यु हुई और अब बारी थी न्यायिक प्रक्रिया की। अब शुरू हुई न्यायिक प्रक्रिया, जहां एक तरफ न्यायालय में पेटिशनर्स अपना केस लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर इसे आम जनमानस के बीच में सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक ट्रस्ट बनाया, जिसका उन्होंने नाम रखा रामालय ट्रस्ट। मगर यह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। न्यायिक प्रक्रिया में 3 प्रमुख प्रश्न थे। पहला, कि मंदिर किसने तोड़ा। अब आए साक्ष्यों की बात। तब मुस्लिम पक्ष प्रमाणित न कर सकी, इस फैसले में आप देख सकते हैं जस्टिस एसयू खान ने यह कोट किया कि मुस्लिम हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव दैट द लैंड बिलोंग टू बाबर अंडर हुज ऑर्डर द मॉस्क वॉज कंस्ट्रक्टेड। वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष से यही सवाल करने पर कुछ साक्ष्य दिखाए गए। एक किताब सहीफाए चहल नसह बहादुर शाही से प्रमाण दिए गए, मगर यह औरंगजेब की पोती ने लिखे थे, इसलिए इसे प्रमाण न माना गया। इन तथ्यों से यह प्रमाणित न हो पाया था कि उस मंदिर को बाबर ने तोड़ा था और वहां मस्जिद बनाई थी। तब ओएसडी अयोध्या किशोर कुणाल जी अपने गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के पास गए। तब शंकराचार्य जी ने एडवोकेट पीएन मिश्रा, जो कि अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील थे, उन्हें लगाया गया और किशोर कुणाल जी ने पूरी रिसर्च करके एक थीसिस लिखी, जिसे एडवोकेट पीएन मिश्रा ने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए, जिसके अनुसार यह मंदिर बाबर ने नहीं बल्कि औरंगजेब के गवर्नर फिदाई खान ने सन 1680 में तोड़ा गया था। इस प्रमाण के बाद उस प्रश्न से पर्दा हट गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, श्री रामलला का जन्म स्थान यही है, इसका प्रमाण क्या है। जब इस पर प्रश्न उठा तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो कि शंकराचार्यों के प्रतिनिधि थे, महंत भास्कर दास, स्वामी हरियाचार्य, स्वामी रामभद्राचार्य एवं सभी लोगों ने स्कंद पुराण का प्रमाण दिया। संतगणों ने स्कंद पुराण के वैष्णव खंड 7 में अयोध्या महात्म्य का जिक्र करते हुए श्लोक 18-25 का उल्लेखन किया, जिसके अनुसार तस्मात स्थानात ऐशाने राम जन्म प्रवर्तते जन्म स्थानमिदं प्रोक्तम मोक्षादिफल साधनम विघ्नेश्वराव पूर्वभागे वासिष्ठाप उत्तरे तथा लोमशाह पश्चिमे जन्म स्थानम ततस्मृतम। अर्थात जन्म स्थान विघ्नेश्वर मंदिर के पूर्व में ईशान कोण पर स्थित है, वह वशिष्ठ के उत्तर में एवं लोमेश के पश्चिम में स्थित है। इसके साथ साथ रामभद्राचार्य जी एवं अन्य संतों ने वाल्मीकि रामायण के भी प्रमाण दिए, जहां बालकांड में वर्णित है प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुक्तम। अर्थात जिस भगवान विष्णु को पूरा संसार नमस्कार करता है, उन्होंने अयोध्या की महारानी कौशल्या व महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। इन सभी पूजनीय संतगणों के प्रमाण के तत्पश्चात अब बारी आई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। उसमें उन्होंने अपने साक्ष्य में मंदिर के अवशेष दिखाए, स्तंभ, मूर्तियां इत्यादि। इससे यह प्रमाणित हुआ कि वहां कोई मंदिर था। अब आया फैसले का दिन। पहला फैसला 30 सितंबर 2010 को आया, जहां अलाहाबाद कोर्ट ने भूमि को 3 बराबर भागों में बांट दिया, जहां पर पहला भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा रामलला विराजमान को दे दिया गया। इस फैसले के खिलाफ दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां 9 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नजीर ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने 2.77 एकड़ की जमीन हिंदुओं को दी और साथ में 5 एकड़ जमीन सरकार द्वारा मुस्लिमों को देने का निर्देश दिया। इस प्रकार सभी जनमानस के बलिदान, संतों के योगदान और राजनीतिक पुरोधाओं के द्वारा किए गए परिश्रम का फल आया। आज उस स्थान पर राम मंदिर बनकर खड़ा है,
तो इसके लिए श्रेय उन सभी बलिदानियों का जाता है जिन्होंने शुरुआत से लेकर और अंत तक अपना बलिदान दिया। तो यह थी श्री राम जन्मभूमि स्थान की पूरी कहानी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।